जेनेवा मोटर शो 2019 में टाटा की तरफ से हमें हैरियर की लॉन्गर वर्जन दिखाई गई थी बजट के नाम से, और उसी को 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया है ग्रेविटास के नाम से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे इस नई वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे टाटा ग्रेविटास के बारे में, उसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो 2019 में हमें जो बाजार दिखाया गया था टाटा हैरियर की लॉन्गर वर्जन, वो 7 सीटर वाली वर्जन थी, लेकिन 2020 की इंडियन ऑटो एक्सपो में हमें जो दिखाया गया है वो 6 सीटर वाली टाटा ग्रेविटास है। टाटा बजाज के नाम को चेंज करके यहाँ पे टाटा ग्रेविटास भी रख दिया गया है। हालांकि यहाँ पे 7 सीटर वाली टाटा ग्रेविटास भी हमें बहुत ही ज़्यादा इंडियन कार मार्केट में देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसकी व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पे सारों हमें एलॉय व्हील्स मिलेगी, और साथ ही में सभी व्हील्स में हमें डिस्क ब्रेक की जो फीचर है वो भी हमें देखने को मिल जाएगी। अगर हम टाटा ग्रेविटास की डायमेंशन की तरफ ध्यान देते हैं, तो वहाँ पे 4661 मिलीमीटर की लेंथ के साथ विंग मिलती है 1894 मिलीमीटर की, वहीं पे इसकी हाइट मिलती है 1786 मिलीमीटर की। अगर हम इसको तुलना करते हैं विथ टाटा हैरियर, तो यहाँ पे 63 मिलीमीटर ये ज़्यादा लॉन्गर रहती हैं, 72 मिलीमीटर ज़्यादा वाइडर रहती हैं, और उसी हिसाब से 80 मिलीमीटर ज़्यादा ये टॉलर भी रहती हैं टाटा हैरियर के मुकाबले। अगर हम इसकी स्पेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड रो में इंटीरियर के तरफ थोड़ी सी बम्प दी गई है, ताकि थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस हमें मिल सके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हमें मिलती हैं, ताकि जो पहली वाली हैंड ब्रेक आती थी उससे जो स्पेस ख़राब होती थी वो बच सके, और ज़्यादा हमें स्पेस इसके इंटीरियर्स में देखने को मिल जाए। और इसकी पीछे की तरफ भी थोड़े चेंजेस की गए हैं, इसके टेल लैम्प्स और इसकी बम्पर्स के डिज़ाइंस में भी। अगर हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर्स के बारे में, तो हैरियर जैसे यहाँ पे LED डियल्स मिलेंगे, साथ ही साथ हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की फीसा भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रूफ रेल्स और इसके अलॉय व्हील्स की जो डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी सिमिलर हमें मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे तो वो आधी डिजिटल है आधी एनालॉग है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम हमें फील होती है। और ड्राइवर सिलेक्टर के साथ साथ काफ़ी मोड यहाँ पे अवेलेबल की गई है। अगर हम बात करते हैं इसकी सीट्स के बारे में, तो यहाँ पे प्रीमियम लेदर सीट अपहोल्स्टरी देखने को मिल जाती है। हम इसकी जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी मल्टीफंक्शन है, और ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात यही है कि यहाँ पे हमें फैक्ट्री फिटेड पैनोरमिक सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं इसकी इंजन की तरफ, तो यहाँ पे हमें 2 लीटर की कायोटेक डीजल इंजन मिलेगी, जो ऑब्वियसली VS6 कॉम्प्लाइंट रहेगी, और उसकी पावर तकरीबन 170 VSP के आसपास और 350 Nm के टॉर्क ये आपको प्रोवाइड करवा के देगी। यहाँ पे आपको 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने की पूरी संभावना है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें 6 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। हमने बात की है टाटा ग्रेविटास के बारे में, उसको ऑटो में दिखाया गया है, उसके जितने भी फीचर्स अभी तक रिवील हुए हैं हमने उसके बारे में बात की। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट पूछिए, हम आपकी क्वेरीज को जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हमारे चैनल पर ऑटोमोबाइल से भी हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों।